है। हिंदुस्तान के हर हिस्से के लोग यहां रहते हैं। और अगर जब कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो देखिए कि पहली बार जो है जो सम्मेलन हुआ, जो कांग्रेस की स्थापना हुई वो मुंबई में हुई। उसके पहले अलग अलग शहरों में या अलग अलग राज्यों में कई एसोसिएशन थे जो अंग्रेजी सरकार के हुकूमत के खिलाफ जो है अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे, चाहे कलकत्ता हो या मद्रास हो या मुंबई भी हो। लेकिन पहली बार यहाँ सब मिले यहाँ, और बनर्जी साहब उन्होंने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। तो उस समय भी मुंबई ने देश को स्वर दिया था और दुनिया को बतलाया था कि मुंबई से जो स्वर जा रहा है वो भारत का स्वर है। तो 138वां जो अधिवेशन यहाँ हुआ, या कहिए कि दिवस मनाया गया, जो 138वां स्थापना दिवस मनाया गया है, वो भी एक संदेश है देश के सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए कि जी अब वक्त आ गया है जब आप एकजुट हो जाइए। नेता आपके तैयार हैं, इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, और जैसे मौसम का प्रभाव जो है हर व्यक्ति पे है ना, अब ठंड जो है ठीक है अलग अलग प्रभाव है सब पे, लेकिन ठंड का प्रभाव तो सब पे है, गर्मी का प्रभाव सब पे है। तो मुंबई में भी लोग जो है कई लोग ऊनी वस्त्र जो है निकाल लेते हैं सुबह सुबह ठंड का मजा लेने के लिए। तो ये जो असर है इनके राहुल गांधी जी की यात्रा की का, वो मुंबई में भी है और महाराष्ट्र में भी है। और ये असर यही देख लीजिए कि महाविकास आघाड़ी अभी भी एक रास्ते पर है, एक मत है, और बीजेपी के तमाम कोशिशों के बाद भी महाविकास आघाड़ी की स्थिति नहीं है, बल्कि विचलन की स्थिति अगर कभी आती है तो यही आ रही है कि जो है बीजेपी के नेता सोच रहे हैं कि शिंदे को हम क्यों ढो रहे हैं। अभी देखिए शिंदे के खिलाफ जो है जमीन का मामला चल रहा है। अब कई जी नेता बीजेपी के कह रहे हैं कि इस आदमी को क्यों ढो रहा है, तो भ्रष्टाचारी आदमी है, लेकिन उनकी मजबूरी है। इसलिए ढो रहे हैं कि मोदी जी को सत्ता में बिठा के रखना है, इसलिए ढो रहे हैं कि यहां से जो बड़ी कमाई होती है उनको लेके जाना है, प्लस इसलिए ढोना है कि फडणवीस साहब जो है उनको हर हाल में साथ, उनको लग रहा है कि दूसरे मोदी तो हम ही हो, ये प्रधानमंत्री वही बनने वाले हैं। इसलिए तो उन्होंने कहा था, उनकी पत्नी ने क्या कहा था, ये नए राष्ट्रपिता हमारे मोदी जी है, गांधी जी पुराने राष्ट्रपिता थे। तो इस तरह की जो बातें करते हैं तो वो जाहिर है राहुल गांधी की यात्रा का असर है। और जो साथी आपके दर्शक बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा पर क्यों बार बार करते हैं, तो देखिए भाई मैं तो मानता हूं कि जीवन ही यात्रा है, और राहुल गांधी की जो यात्रा कर रहे हैं भारत को समझने का, भारत को जानने की यात्रा कर रहे हैं, तो उनके बहाने हम भी इस यात्रा को देख रहे हैं और हमको भी लग रहा है कि इस यात्रा में हम चल रहे हैं। राजीव जी आपने जिक्र किया था सुरक्षा को लेकर, जहां से बात शुरू की थी, मैं देख रहा था न्यूज 24 पे ये कार्यक्रम देख रहा था, राजीव उसमें भी राजीव अपने बिहार के ही हैं, राजीव रंजन, वो माहौल गर्म है उसको कवर कर रहे थे। मैंने राहुल गांधी को जिस तरह से भीड़ में देखा मुझे आश्चर्य हुआ, ये इतने सिक्योरिटी वाला आदमी इस कदर भीड़ में कैसे शामिल हो गया। मतलब चौतरफा कहीं सिक्योरिटी वाले लोग मुझे दिखने रहे थे, वो आम आदमी थे और उनके बीच जो है कैमरा दूर से उनको पकड़ रहा था। तो ये आज आप बात कर रहे हैं चूक की, लेकिन या कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि राहुल गांधी खुद जो है भीड़ में शामिल हो गए, या इतनी भीड़ आ गई है, इतने लोग आ गए हैं दिल्ली में, चूंकि मैंने देखा जिस तरफ देखे जन सैलाब, मतलब लगा नहीं कि कहीं सड़क है, सड़क कहीं दिख नहीं रही थी, इतनी भीड़ थी। और ये सबूत है कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के जो उम्मीद है लोगों में वो साकार हो रही है। हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके झूठ से जनता तंग आ गई है, तो सच जानना चाहिए। अब एक बात देखिए, मैं एक और चर्चा करूं, हल्की सी चर्चा प्रशांत भाई ने की है और इससे बहुत चर्चा होनी चाहिए, जबकि ये 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात, ये राइट टू फूड कौन लेकर के आया? राइट टू फूड कांग्रेस पार्टी या यूपीए सरकार लेके आई थी, मनमोहन सिंह सरकार लेकर के आई थी राइट टू फूड, भोजन का अधिकार। और भोजन का अधिकार के तहत राशन दुकान से, जो सरकारी राशन दुकान है वहां से 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं तय हुआ था देना। अब मोदी जी कह रहे हैं कि हम मुफ्त राशन बांट रहे हैं, तो बताइए एक व्यक्ति को 5 किलो राशन दे रहे हैं एक महीने में, तो अगर 3 किलो चावल भी दे दिया तो 15 रुपए दे रहे हैं। तो 15 रुपए अगर आप दे रहे हैं और 1200 का सिलेंडर दे रहे हैं, तो भाई आप मुफ्त क्या दे रहे हैं? ये तो जनता को आप मूर्ख बना रहे हैं। इस पे मुझे लगता है कांग्रेस को बोलना चाहिए कि राइट टू फूड हमने दिया है, मनरेगा हमने दिया है,
और आपने मोदी जी देश के नागरिकों का स्वाभिमान छीना। हर नागरिक का एक स्वाभिमान होता है कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, अपनी मेहनत का खाता हूँ। हम गांव में देखते हैं लोग बोलते हैं कि अरे मारिए कोई भी नेता, हमको क्या करना, हम तो कमाएंगे तो खाएंगे। तो जो कमाएंगे तो खाएंगे, जो मजदूरों का स्वाभिमान है उसको आप मुफ्त का राशन दे करके मीडिया में फैला करके, आप इनकम टैक्स के वाले जो पे करते हैं लोग हैं, कुछ तथा कथित इनकम टैक्स पे ही लोग जो है जो कहते हैं कि हमारे पैसे को आप मुफ्त में बांट रहे हो, अरे आपके पैसे को कौन बांट रहा है भाई? तो इस पे भी सवाल उठने चाहिए। और 80 करोड़ जिन लोगों को आप राशन बांट रहे हैं उसमें से मैं अगर कहूँ राजीव जी, गांव में मैं देखता हूँ तो 80% वो लोग हैं जिनको राशन की जरूरत नहीं, उसमें भी वो राशन लेते हैं और बेच देते हैं। मैं तो अपने गाँव की बात बताऊँ, राशन लेकर के बेच देते हैं। तो हमें तो लग रहा था कि मोदी जी जो है जब इतना सब कस रहे हैं कमान, तो राशन कार्ड को भी चेक करते कि भाई कौन राशन कार्ड का हकदार है या नहीं। और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, कांग्रेस पार्टी जब आगे सत्ता में आए तो उस पर विचार करें। तो राहुल गांधी जी की यात्रा जो है उसका असर महाराष्ट्र में है, और मुझे है कि जो आने वाला समय है वो इनके लिए मुश्किल पड़ेगा, बीजेपी के लिए। और जैसा कि स्टालिन की बात आपने बताई कि स्टालिन कह रहे हैं, तो अब देखिए दक्षिण से स्टालिन कर रहे हैं, देखिए जो है वो पूरब से नीतीश कुमार कह रहे हैं, पश्चिम से शरद पवार और उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। अब शीर्ष पे चला जाइए जम्मू कश्मीर, तो महबूबा मुफ्ती और अब्दुल फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। तो राहुल गांधी के साथ तो चौतरफा लोग खड़े हो गए। अब ये बताइए ये कहाँ इनके समर्थन में लोग हैं? इनके समर्थन में सिर्फ वो लोग हैं जो परगलाए गए लोग। झूठ इतना बोला है इन्होंने, इतना झूठ बोला है, हर पल सिर्फ झूठ बोलते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को एक ऐसा विंग बनाना चाहिए मेरे ख्याल से जो झूठ का पर्दाफाश करे, सत्य की बात करे, केवल सत्य प्रसारित करिए आप और सत्य बताइए। जैसा जयशंकर जी चले गए, जयशंकर जी ने कहा कि कांग्रेस को और एग्रेसिव होने की जरूरत है, बिल्कुल सही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जयराम रमेश जिस तरह से बोल रहे हैं, हमारा कन्हैया कुमार जिस तरह से बोल रहा है, पवन खेड़ा जी जिस तरह से बोल रहे हैं, वो तो है। लेकिन ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दूर दूर गांव गांव के कार्यकर्ताओं के पास ये पत्र पहुंचाया जाना चाहिए कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। ये सत्य झूठ का खेल ही जो है गांधी और सावरकर है क्या? एक तरफ सत्य है एक तरफ झूठ है। मोदी और नेहरू है क्या? एक तरफ सत्य है एक तरफ झूठ है। गांधी और नेहरू में एक समानता क्या थी? कि दोनों लोग प्रिय थे और दोनों देश के स्वाभिमान के लिए, देश के अभिमान के लिए लड़ना चाहते थे, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ रहे थे, मानवता के लिए लड़ रहे थे, देश की विविधता के लिए लड़ रहे थे। मोदी जी क्या कर रहे हैं? उसके विपरीत काम कर रहे हैं। तो ये बताया जाना जरूरी है। और राम सेतु की बात मैं करूं, बिल्कुल सही कहा कि राम सेतु पे इतना हंगामा किया, लेकिन संसद में क्या उनके मंत्री ने कहा? इस पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को प्रचार इस पे भी करना चाहिए। लेकिन खैर, कांग्रेस पार्टी की अपनी नीति है और राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो बड़ा सही तरीके से जनता तक मैसेज जा रहा है। और टीआरपी देखिए, टीआरपी इन चैनलों की कम हुई है। प्रशांत भाई, अजीत अंजुम का मैं प्रोग्राम देख रहा था जिसमें अजीत अंजुम ने कहा कि जो है इतने लाख लोगों का हमने सर्वे करवाया है कुछ घंटे में, और वो आया है कि कौन जो है हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने वाले ज्यादा हैं, उनमें पत्रकारों का जिक्र किया, चार पत्रकारों का उल्लेख था। तो मैंने देखा कि कई कई जगह इस बात पे चर्चा हो रही है कि टीआरपी इनकी गिरी है। और जो एक सोशल मीडिया जो खड़ा हुआ हमारे सामने, जिसमें बड़ी अच्छे पोजीशन पे राजीव जी का चैनल या हमारा चैनल डीवी चैनल है, मैं और एक बात बताऊं कि अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वो मुजफ्फरपुर के एक पंचायत का वीडियो था जहां मुखिया जो है 3 नंबर की ईंट लगा रहा था गली में, और वो कैमरा से लोग शूट कर रहे थे और 250-300 लोग जमा हो गए वहां पे, और पूरा बवेला मच गया। मुखिया को कुछ बहुत देर तक लड़ा, लेकिन उसको जनता इतनी खड़ी हो गई कि मुखिया को कुछ समझ में नहीं आया, कुछ आधा घंटा सुपर का वीडियो था। तो सोशल मीडिया का, यूट्यूब का तो मैं ये फायदा देखता हूँ, मोबाइल का, कोई भी आदमी आता है और उसके दर्शक खड़े हो जाते हैं। मैं तो देखता हूँ छोटे छोटे वीडियोज के भी लाखों दर्शक होते हैं। तो ये जो चैनल वाले इतना करोड़ों रुपए खर्च करके जो बनाते हैं चैनल, उनके 50,000 पता नहीं कितने व्यूअर होते हैं, तो बड़ी बात नहीं है। इससे ज्यादा व्यूअर तो हमारे यहाँ एक जो है गाना बजता है कोई चोली सरकार दो या फलाना, उससे ज्यादा कई मिलियन दर्शक हो जाते हैं। इनकी टीआरपी लगातार गिरी है, और जैसे मोदी जी की टीआरपी गिर रही है, इनकी टीआरपी भी जाएगी। और मुझे लगता है कि ये
बदलेंगे जल्दी, बदलने का समय इनका आ गया है, नहीं तो इनका अंत।